हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल बायड। टुडे अवर सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में पोयम हम लर्न कर चुके हैं एंड नेक्स्ट है हमारी स्टोरी। सो हमारी स्टोरी का नेम है THE WIND विंड, THE SUN सन। द विंड एंड द सन, विंड मीन्स हवा और सन मीन्स सूरज। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो हवा और सूरज के बारे में है। सो पेज नंबर बुक में 46 पेज नंबर हमारा है। जो फर्स्ट ये जो पेज है वो हम अभी लर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ वर्ड्स हैं वो मैंने लिखे हैं वो लर्न करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। WIND विंड मीन्स हवा। जब विंटर होती है, मानसून होती है, तो कभी कभी ज़्यादा ज़ोर से हवा आती है। SUN सन, सन मीन्स सूरज। CAN कैन मीन्स कर सकते हैं। कोई कुछ भी काम हो तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ या तो कर सकना। ROAD रोड दैट मीन्स सड़क। GAT गैट। OFF ऑफ, गेट ऑफ दैट मीन्स उतारना। QUICKLY क्विकली यानी कि जल्दी से। कोई स्कूल में आप राइटिंग राइट कर रहे होते हो तो टीचर आपसे कहते हैं क्विक फास्ट, आप फास्ट लिखो। क्विकली दैट मीन्स जल्दी से। THAN धैन, धैन मीन्स से ज़्यादा। मैथ्स में हमारा टॉपिक होता है ग्रेटर देन लेस देन, यानी कि ये जो नंबर है ये इससे ज़्यादा है। ग्रेटर देन यानी कि ये इससे ज़्यादा है। इस तरह से धैन मीन्स से ज़्यादा। WHO हु मीन्स कौन, हु आर यू, आप कौन हो। इस तरह से हु से हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। STRONGER स्ट्रोंगर दैट मीन्स ताकतवर। WEVE यानी हम, वी ऑल यानी कि हम सब। HOW हाउ मीन्स कैसे, हाउ आर यू, आप इस तरह से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। BLOWING ब्लोइंग दैट मीन्स उड़ाना। TIGHTLY टाइटली दैट मीन्स जोर से। कभी कभी हवा इतनी जोर से चल रही होती है तो हम कितना जोर से हमारे क्लोथ्स को हमारे ऊपर कवर कर लेते हैं। ROUND राउंड दैट मीन्स आस पास, चारों ओर, गोल भी हम कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट पेज है 46 नंबर, वो हमने उसकी वर्ड्स लर्न किए हैं। अब हम पैराग्राफ लर्न करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द अवर स्टोरी। द विंड एंड द सन, हवा और सूरज के बारे में ये हमारी स्टोरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कहीं देखा होगा और आपने कहीं सुना भी होगा कि किसी को अपने अंदर की जो क्वालिटी होती है उसमें उसको ज़्यादा घमंड होता है कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। इस तरह से वो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करता है। तो हमें इस तरह से अपने आप पे ऐसा घमंड करना चाहिए नहीं। जो सामने वाली व्यक्ति होती है वो कहीं हमसे कम है ऐसा हमें समझना चाहिए नहीं, क्योंकि किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी तो उसकी होती है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो हमें जो आता है उस पर हमें घमंड करना चाहिए नहीं। तो ये जो हमारी स्टोरी है वो भी कुछ इस तरह के ही है। ये जो हवा है वो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती है, वो अपने आप में कुछ अच्छी क्वालिटी है उसका वो घमंड करती है। तो इस तरह से हम हमारी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंड सेज, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड। हवा जो है वो सन से कहती है, सूरज से कहती है कि तुम जो मैन वॉकिंग करके रोड पे जा रहा है, सड़क पे जो मैन जा रहा है, क्या तुम उसे देख सकती हो। सो आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। फिर जो विंड है, हवा है, वो कहती है कि मैं उसका कोट
जो मैन ने हमें पिक्चर में यहाँ दिखाया है, मैन है वो सड़क पे जा रहा है, उसने हैट और कोट भी पहना हुआ है। तो हवा जो है वो कहती है कि क्या तुम वो जो मैन रोड पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है, तुम उसे देख रही हो? तो मैं उसको, उसने जो कोट पहना है वो तुमसे भी ज्यादा पहले मैं उसका कोट उतरवा सकता हूँ। सन स्माइल वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर। सन स्माइल करके कहता है, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर दैट मीन्स ताकतवर। तो सन स्माइल करके कहता है, देखते हैं हम दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है। He will let you try first. मैं तुम्हें फर्स्ट ट्राई करने की अनुमति देता हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट चांस देता हूँ। विंड पफिंग हिज चीक्स एंड ब्लोइंग हार्ड। विंड जो है उसने अपने चीक्स में बहुत सारी तेज हवा भर ली है, फिर वो ब्लो करती है, वो छोड़ती है हुफ करके, वो अपनी तेज हवा बहा देती है। इस तरह से मैन सेज हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। मैन कहता है कि आज इतनी तेज हवा कैसे आ रही है, किस तरह से आ रही है। इट इज ब्लोइंग माय कोट अवे। ये जो मैंने कोट पहना है वो भी उसको उड़ा देगी। विंड ने अपने चिक्स में बहुत सारी हवा भर दी है और वो बहुत तेजी से वो उसको छोड़ रही है। फिर वो जो मैन है वो कहता है, आज तो बहुत सारी हवा है, तो ये मैंने जो कोट पहना है वो मेरा उड़ जाएगा। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। और मेरे आसपास जो मेरे चारों ओर बहुत ही हवा है, तो मुझे मेरा जो कोट है वो मुझे टाइटली पकड़ना चाहिए। विंड ब्लोइंग हार्डर। विंड और भी अपनी जो हवा है वो और भी तेजी से वो बहाती है। इस ऐसे ही जो विंड है वो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 47। उसमें से मैंने वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट नंबर GIVEUP, गिव अप यानी छोड़ देना, एलईटी लेट यानी चलो, लेट्स गो चलो हम चलते हैं, इस तरह से हम कहते हैं लेट्स गो चलो चलते हैं। TURN टर्न दैट मीन्स बारी, इट्स माय टर्न ऐसा हम कहते हैं यानी कि मेरी बारी है। TRY ट्राई दैट मीन्स प्रयत्न करना, ट्राई अगेन यानी कि फिर से प्रयत्न करो, फिर से कोशिश करो। SHINE शाइन मीन्स प्रकाश। जो सन होता है वो हमें कितना शाइन देता है, प्रकाश देता है। BRIGHTLY ब्राइटनेस दैट मीन्स तेजस्विता। जब पूनम की रात होती है तब मून जो होता है उसकी कितनी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, उसकी जो तेजस्विता होती है वो बढ़ जाती है। तो ब्राइटली मीन्स तेजस्विता। COLD कोल्ड मीन्स ठंड। HOT हॉट मीन्स गर्म। HARDER हार्डर दैट मीन्स ज़्यादा सख्त। कोई भी थिंग्स ऐसी कुछ होती है वो ज़्यादा सख्त होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है। FWR फील दैट मीन्स महसूस करना। मानसून में बारिश होती है, समर में गर्मी होती है, एंड विंटर में जब ठंड होती है तो हम उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। HOTTER हॉटर दैट मीन्स ज़्यादा गर्म। जब समर होती है तो ज़्यादा गर्मी होती है, जो दिन होता है वो बहुत ही हॉटर होता है, पूरा गर्म होता है। WIPING दैट मीन्स पूछना। TAKEOFF टेक ऑफ यानी उतार देना। WON दैट मीन्स जीता हुआ, जीतना। CHEE चीक दैट मीन्स गर्ल। अब नेक्स्ट हम बुक में से पैराग्राफ लर्न करते हैं।
ओके नेक्स्ट पेज नंबर 47 लर्न करते हैं। मैन इज पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। मैन जो है उसने बहुत ही अब खींच के एकदम टाइटली टाइटली अपना कोट पकड़ा है। हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड है और ये ठंड कैसी है, बहुत ही ठंड लग रही है। When says son, I give up, I cannot get his coat off. हवा जो है वो सन से कहती है अब मैं इसे छोड़ देती हूँ क्योंकि ये तो अपना, मैं तो उसका कोट उतरवा सकती नहीं हूँ। उसने जो था हवा जो बहुत ही तेजी से बह रही थी तो उसकी वजह से मैन को ठंडी भी लग रही थी, तो उसने अपना जो कोट है वो बहुत ही खींच के टाइटली पकड़ लिया, उसकी वजह से वो अपना कोट उतारता नहीं है। सन सेज नाउ इट इज माय टर्न। सन जो है वो कहता है अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई, अब मैं ट्राई करता हूँ। ही शाइन्स हार्ड, सन है उसने अपने प्रकाश, उसकी जो गर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा सख्त कर दी, हार्ड कर दी। मैन से व्हाट अ फनी डे। मैन जो है वो कहता है कितना फनी डे है ये। It was so cold, कभी ठंड, and now it is so hot, और अभी गर्म है। पहले थोड़ी देर में ठंड लग रही थी और अभी गर्मी लग रही है। Sun shining harder, sun जो है वो बहुत ही shining होता जा रहा था, वो उसकी तेजस्विता जो थी वो बहुत ही बढ़ाते जा रहा था। I will make him feel hotter and hotter. सन कहता है कि मैं उससे ऐसा फील कराऊंगा, इतनी गर्मी फील कराऊंगा। Man keeping his face, I must take off my coat. मैं जो है वो कहता है अब मुझे मेरा कोट उतारना ही पड़ेगा क्योंकि उसे फील, सन जो है उसे फील कराता है, महसूस कराता है हॉटर एंड हॉटर। वो जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा गर्म गर्म और गर्म करता जा रहा था सन, उसकी वजह से मैन को अपना कोट उतारना पड़ता है। व्हिपिंग हिज फेस, फिर वो अपने कोट से अपने फेस को व्हिपिंग करता है, पोंछता है। सन सेज विंड, आई हैव वॉन। सन जो है वो विंड से, हवा से कहता है अब मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट उतरवा दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी जो स्टोरी है हम यहाँ हमारी स्टोरी फिनिश होती है। इस तरह से हमें हमारी कोई भी क्वालिटी अच्छी हो तो हमें उस पे प्राउड फील करना चाहिए नहीं। इस स्टोरी में विंड जो है वो कितने अपने आप पे प्राउड करती है लेकिन वो सन के आगे जीत नहीं सकती है। तो हमारी जो खुशी होती है वैसे ही दूसरों की भी खुशी होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज लर्न करेंगे। थैंक यू।